जुलाई 2020 को शिक्षा के इतिहास में एक बहुत सुनहरा पन्ना लिखा गया है। यूनियन कैबिनेट ने इस मीटिंग में न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव की है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को रीनेम किया गया है एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इस मीटिंग को हेड किया था पीएम मोदी ने, एज सेड बाय मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है, फॉर रीजन ऑफ क्वालिटी नियम और कानून सभी के लिए एक है, फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस। अब 10+2 सिस्टम को हटाकर 5+3+3+4 सिस्टम आएगा, जिसमें पहले 3 साल आंगनवाड़ी मतलब प्री स्कूल और फिर 12 साल स्कूल में पढ़ाई होगी, जिसमें पहली स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज जो कि 5 साल की होगी। उसमें 3 साल आंगनवाड़ी को दिए गए हैं और बचे 2 साल फर्स्ट और सेकंड क्लास को दिए गए हैं, जो कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में पढ़ाई होगी। सेकंड स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज जो कि 3 साल की होगी, ये क्लास 3rd to 5th तक होगी। देन मिडिल स्टेज जो कि क्लास 6 to 8th क्लास तक होगी। इन 3 सालों में एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग होगी स्टूडेंट्स की। और नेक्स्ट 4 ईयर सेकेंडरी स्टेज जो कि क्लास 9 to 12th होगी, जिसमें बच्चों को उनकी चॉइसेस के सब्जेक्ट दिए जाएंगे और फोकस होगा प्रैक्टिकल स्टडी पर। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने सबसे बड़ा चेंज किया है कि अब किसी भी स्टूडेंट को उसके फेवरेट सब्जेक्ट को अलविदा नहीं कहना होगा। कॉमर्स साइंस और ह्यूमैनिटी में चॉइसेस होंगी, एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी सब्जेक्ट को चूज करने में। मतलब अब एक साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स और आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकेगा, और वैसे ही एक कॉमर्स और आर्ट्स का स्टूडेंट साइंस के भी सब्जेक्ट्स ले सकेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग, छोटी छोटी जॉब्स का एक्सपीरियंस, जैसे किसी फर्म में वर्क करना, रेस्टोरेंट में असिस्टेंट कुक, डिजाइनर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर। वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू बच्चा स्किल होता है और उसे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है इस दुनिया में जीने का। हमारे देश में अगर एक किसान का बेटा उसके पिता के साथ खेतों पर जाता है तो उसे चाइल्ड लेबर कहते हैं, वहीं फॉरेन कंट्रीज में इसे वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग की फॉरेन कंट्रीज में बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारे देश में अब NEP 2020 ने इसे हरी झंडी दे दी है। अब मिडिल स्टेज यानी 6 to 8 क्लास बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि 10 डेज की होगी। वोकेशनल ट्रेनिंग को अब कंपलसरी कर दिया जाएगा, यानी 12th क्लास स्टूडेंट के पास अब वोकेशनल ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट होना कंपलसरी हो जाएगा। और 2025 तक 50% स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, ऐसा प्लान है। सेल्फ इवेल्युएशन मतलब खुद को जज करना और जानना कितने प्लस पॉइंट्स और कितने माइनस पॉइंट्स खुद में हैं। अब रिपोर्ट कार्ड पर रिजल्ट के साथ सेल्फ इवेल्युएशन का भी कॉलम आएगा, जिसमें बच्चा खुद को इवेल्युएट करेगा और जज करेगा, देखेगा, जानेगा और पहचानेगा कि उसने उस साल में कितना परफॉर्मेंस दिया है और उस हिसाब से खुद को ग्रेड देगा। NEP 2020 का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन ये है कि अब टीचर्स को स्किल करने में बहुत ध्यान दिया जाएगा, प्लस उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी और बीएड को 4 साल का कर दिया जाएगा। अब से 5th क्लास तक मदर टंग यानी मातृभाषा में ही पढ़ाई होगी, ऐसा हमारी NEP 2020 कहती है। और इसमें रीजनल और स्टेट लैंग्वेज भी आ सकती हैं। बहुत से प्राइवेट स्कूल्स और पेरेंट्स इस चीज का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो ट्रांसफ़र लेते हैं तो ये एक प्रॉब्लम होगी उनके बच्चों के लिए। अपनी संस्कृति को मान और उसका महत्व समझते हुए सरकार ने
संस्कृत भाषा को 9th क्लास तक कंपलसरी कर दिया है और उसके आगे सब्जेक्ट चॉइस करने में संस्कृत भाषा को 12th क्लास तक लिया जा सकता है। हमारे यहाँ का जो रटौड़ा सिस्टम था उसे ख़त्म करने के लिए सरकार ने अब बोर्ड्स को लो इम्पोर्टेंस देने का फैसला किया है। 10th बोर्ड अब कैंसिल कर दिए गए हैं, 12th बोर्ड जो होंगे उनकी कम इम्पोर्टेंस होगी और एग्ज़ाम प्रेशर कम करने के लिए साल में 2 बार एग्ज़ाम होने का फैसला हुआ है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत हमारे देश में अब हर छोटे बड़े गांव में स्कूल है, पर उस पर होने वाला खर्च बहुत कम होता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में केवल 3% GDP का खर्च किया जाता है। अब NEP 2020 ने इसी खर्च को बढ़ाकर 6% GDP का कर दिया है, जिससे अब एजुकेशन लेवल में बदलाव आएगा और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चेंज आ सकेगा। फेजिंग आउट एफिलिएशन सिस्टम, अभी तक एक यूनिवर्सिटी से 500 प्लस और 800 कॉलेज अटैच होते थे। NEP 2020 का फैसला है इसे 300 समथिंग करा जाएगा और ऐसी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम किया जाएगा। सरकार ने कहा है अगर जरूरत पड़ेगी तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बढ़ाई जाएंगी। पहले बाहर की यूनिवर्सिटी को इंडिया में आने का मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने ये अप्रूव कर दिया है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज इंडिया में भी कॉलेज सेटअप कर सकेंगी। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 85% है, वहीं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया इज 25% इन 2020, यानी केवल 25% ही बच्चों ने 12th पास करके हायर एजुकेशन में एडमिशन लिया, जो कि एक बहुत कम रेशियो है, जिसे अब NEP 2020 ने बढ़ाने का फैसला किया है और ऐसा एम किया गया है कि 2035 तक इसे 50% करा जाएगा। मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम, अब NEP 2020 पॉलिसी रिलीज होने के बाद अगर कोई स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन चेंज करना चाहता है 1 या 2 साल के बाद, तो उसका वो ग्रेजुएशन बर्बाद नहीं जाएगा, मतलब अब उसे उसका क्रेडिट ट्रांसफ़र मिलेगा। जैसे अगर एक स्टूडेंट BSc कर रहा है फर्स्ट ईयर और उसका कंप्लीट हो चुका है और उसे BTech में एडमिशन चाहिए, तो उसका BSc फर्स्ट ईयर बर्बाद नहीं जाएगा और उसको उसका सर्टिफिकेट मतलब क्रेडिट ट्रांसफ़र उसे मिलेगा BTech में। और अगर किसी स्टूडेंट की पढ़ाई रुक गई है तो वो वहीं से स्टार्ट कर सकेगा।